संजय दत्त की इंटरेस्टिंग लाइफ को बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक राजकुमार हिरानी बड़े पर्दे पर ला रहे हैं। बाबा की इस बायोपिक में उनके लव अफेयर्स के अलावा उनके नशे की बुरी लत समेत कई राज सामने आएंगे। बताया जा रहा है कि फिल्म में कुछ ऐसे भी राज होंगे जिनके बारे में उनके फैंस शायद ही जानते होंगे। फिल्म में एक तरफ तो उनके और माधुरी दीक्षित के प्यार के अफसाने होंगे तो दूसरी तरफ फिल्म में उनकी जेल जाने की कहानियां होंगी। बता दें कि संजू बाबा ड्रग्स रखने और अवैध हथियार रखने समेत कई अलग अलग मामलों में जेल की हवा खा चुके हैं। ऐसे में बायोपिक का सबसे अहम हिस्सा उनका जेल में बिताया गया समय है और जेल के ये सीन भोपाल में फिल्माए गए हैं, जिनकी शूटिंग संजू का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर और उनके पिता सुनील दत्त का किरदार निभा रहे परेश रावल ने की। भोपाल में जेल सीन फिल्माए जाने को लेकर बताया जा रहा है कि निर्देशक राजकुमार हिरानी अपनी फिल्म को लेकर काफी सीरियस होते हैं और माना जा रहा है कि स्क्रिप्ट की डिमांड को देखते हुए भोपाल की पुरानी जेल को मुंबई की ऑथर रोड जेल और पुणे की यरवडा जेल का लुक देकर सीन शूट किए गए हैं। इसके लिए बकायदा सेट बनाए गए हैं। ये सेट पुरानी जेल के मेन गेट पर लगा के सीन शूट किए गए। भोपाल की केंद्रीय जेल में भी फिल्म के सीन फिल्माए गए हैं। इसकी शूटिंग भोपाल में करीब 7 दिनों तक की गई और इसके लिए यहाँ 50 लोगों का ग्रुप भी पहुँचा था। जहाँ तक सेट की बात करें तो इसको तैयार करने के लिए प्रकाश झा प्रोडक्शन यानी कि पीजेपी से मटेरियल किराए पर लिए गए, जिसकी मदद से जेलों को पुणे और मुंबई की जेल का लुक दिया गया।